देखिए, हम सब लोग जब यात्रा के पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं पूर्वांचल से आता हूँ, बनारस से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, तो मैंने सोचा था कि पश्चिम चल रहे हैं और पश्चिम मेरा आना जाना भी 4 महीने में बनने में, तो मैं कई बार हर जिले में एक बार करीब लगभग आ गया था, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, बरेली हो, यहाँ भी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, जैसे मेरा तीसरा विजिट होगा ये। तो मुझे लगा था कि नहीं, ठीक है, समर्थन तो मिलेगा, पर मैं सोचा था कि पूरब से पश्चिम में आ रहा हूँ, समर्थन पूरब जैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अप्रत्याशित समर्थन मिला है। जो मैं सोचा था, पूरब से भी ज़्यादा पश्चिम के लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और आर्थिक राशि भी दी है पार्टी, मतलब यात्रा चलाने के लिए। आज भी एक जन अभी बोल कर गए हैं कि कल मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ यात्रा के लिए। ये खुशी खुशी आकर लोग जो अन्य कांग्रेस छोड़कर गए थे, वो घर वापसी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और पुराने पुराने, जैसे कल रामपुर में नूर बानो जी 85 साल उम्र है, वो भी कल यात्रा में चली है। अब सोचिए आप, इतनी एज के लोग और नवाब परिवार, वो भी पैदल पद यात्रा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़े। प्रदेश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की जोड़ो यात्रा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला नहीं है तो बोल क्यों रहे हैं फिर? अगर फर्क नहीं पड़ता तो बोल क्यों रहे हैं? इसका मतलब फर्क पड़ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि फर्क पड़ रहा है, नहीं तो नहीं बोलते, चुप रहते। इसका मतलब कि फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर, ये साबित करता है, उनका बोलना साबित करता है कि फर्क पड़ चुका है उनके ऊपर। सर, कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, करना चाहिए, और वो धर्म की नगरी है, धर्म जो हमारे आराध्य देव भगवान राम की नगरी है, और निश्चित तौर से अयोध्या के अंदर भगवान का मंदिर बन रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। वो कोई सरकार हो, भाजपा की सरकार भी बनवा रही है, हमारी सरकार रहती है हम बनवाएंगे, सपा कोई सरकार आएगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा वो बनवाएगी। सपा के सांसद हैं वर्ग, उन्होंने आज कहा है कि जिस दिन पार्क होगी हम उस दिन गम का दिन नहीं। अब ये तो मैं समझता हूँ कि इस पे वो उसका जवाब दे पाएंगे। मैं तो इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये निश्चित तौर से अध्यात्म की नगरी, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से मंदिर निर्माण हो रहा है, तो इस पे किसी को कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।